इसके लिए आज मैं सबसे बेस्ट पार्ट टाइम जॉब लेके आई हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी की ज़रूरत है तो इस तरीके से वो अपना सब काम मेंटेन करके भी दिन के एक दो घंटे स्पेंड करके महीने के 5-10 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, अपना जो खर्चा है वो निकाल सकते हैं। अगर कोई टीचर्स चाहे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो आप चाहे तो इस तरीके की मदद से आप उस नॉलेज को हर दिन रिवाइज कर सकते हैं और अपना लर्निंग को प्रोसेस को और भी बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज सुष्मिता, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। ऐप और रनिंग रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस तरीके को आपको अच्छी तरह से समझाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। आज मैं फ्रेंड्स आपको जिस एप्लीकेशन के थ्रू पार्ट टाइम अर्निंग करना सिखाऊंगी उसका नाम है बार्टल बाई एप्लीकेशन, जो आपके मोबाइल फ़ोन पे चल जाता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके पास एक स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, तभी आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। बेसिकली फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन पे आपको करना होता है 6 to 12 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए तरह तरह के क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो उसी को आपको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखना है। बस आपका काम है बस यही, इस सब्जेक्ट पे आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं 6 to 12 स्टैंडर्ड के बीच में, वो हर सब्जेक्ट में जिसमें आपका नॉलेज है उसी तरह के सब्जेक्ट को आप चूज़ कीजिए और उसके बारे में आप यहाँ पे आंसरिंग कर सकते हैं। उससे पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, तो आप बारीकी से इसको समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हर क्वेश्चन के आंसरिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको 20 रुपीज़ तक की मिलते हैं, तो जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़िया है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स है वो भी ट्राई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में, और जो टीचर्स है वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी होते हैं जिनके पास बहुत क्वालिफिकेशन होता है अच्छा किसी सब्जेक्ट में, उनके पास नॉलेज भी होता है, लेकिन फैमिली की वजह से और अपने छोटे छोटे बच्चे होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो वो भी अपने घर में रह के अपना कंफर्ट जोन में दिन के 1-2 घंटे का टाइम निकाल के यहाँ पे दे, तो वो भी महीने के आखिर में एक अच्छा अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो इसीलिए इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए बार्टली वेबसाइट। तो नाम देके सर्च करने के बाद उसका जो फर्स्ट इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे बार्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पे इंटरेस्टेड एंड अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ट्रेंड आपको यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड देके साइन इन कर लेना है। साइन इन कर लेने के बाद आपका नाम यहाँ पे शो होगा, उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए इस एप्लीकेशन पे बोले जाएंगे। स्टेप्स सुन के घबराना नहीं, उस स्टेप्स को किस तरह से आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं उसको आज मैं आपको अच्छे तरह से समझाऊँगी, तो उसके बाद आप इस स्टेप्स को आसानी से कंप्लीट कर पाइएगा। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप पे फ्रेंड्स आपका जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालना है और आपका एडुकेशनल डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालना है। जिस सब्जेक्ट पे आप माहिर है, जिसमें आपका नॉलेज ज़्यादा है, उसी सब्जेक्ट को आप चूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसी में आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे टेस्ट होगा उसको देना होगा और उसी रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आप अच्छे से जिस लैंग्वेज में आपको पकड़ है, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पहचान है, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे भरना। जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे उसी के ऊपर 1 घंटे का यहाँ पे आपको टेस्ट देना होगा, जो कि आपको 20 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसका जो रिज़ल्ट है उसमें आपको एटलीस्ट 60% तो लाना ही, उससे ज़्यादा लाए तो भी बढ़िया है, लेकिन उसके नीचे अगर लाएंगे तो आप यहाँ से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो नंबर आए वो अबव 60% के ऊपर ही आए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो आप इसके लिए 1 घंटा समय है आपके पास, तो गूगल की मदद भी ले सकता है कि गूगल किस दिन हमारे काम आएगा। तो एक मोबाइल या डीसी डिवाइस से आप यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, तो एक सामने दूसरा कुछ डिवाइस रख लीजिए, उसमें आप गूगल सर्च करके अगर किसी भी आंसर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे सर्च करके भी ढूंढ के भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
और कुछ अगर नहीं आता है आपको, गूगल से भी नहीं मिल रहा है, तो उतना तो आपको अपने से कोशिश करके भी ट्राई करना होगा। तो मेरी आशा है कि आप दोनों मिला जुला के इस जो टेस्ट है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट, जब आपको यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, नेक्स्ट आपको एक ट्रेनिंग वीडियो ये लोग प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे इस ट्रेनिंग वीडियो को आप अच्छे से वॉच करना, तभी आपको पता चल जाएगा किस तरह पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसरिंग करना है, किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपना जो आंसर है उसको लिख के डालना है, उसका फ़ोटो निकालना है, कि अपने किस तरह से प्रोसीड्योर क्या होगा, वो आपको पूरा ट्रेनिंग वीडियो पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, वो ट्रेनिंग वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट आपको फिर से ये जो टेस्ट होगा फ्रेंड्स, ये इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन राउंड है, तो आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम है और भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को आपको एक घंटे का ही होगा। एक घंटे में आपको वही MCQ वाला क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करना है, और उसमें आपको अभी 80% इनका जो पास मतलब मार्क्स है उसको है, 80% के ऊपर आपको लाएंगे तो बढ़िया है, 80% के नीचे अगर लाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, फिर से मैं बता रही हूँ, गूगल को भी मदद लेके और अपने से कोशिश करके, जिस तरह से भी हो, अगर आप 80% यहाँ पे ले आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे भी कुछ मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता, अगर आपको जिस सब्जेक्ट में चूज़ करेंगे उसमें नॉलेज है इसीलिए तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ किए हैं, तो आपको मतलब जानकारी होगी, इस तरह से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 80% अगर आपका आ जाए तभी आप यहाँ पे पूरा एलिजिबल हैं क्वेश्चन के आंसरिंग करने के लिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होने के बाद कभी भी अपने फ्री टाइम पे ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, आपको यहाँ पे आपका जो बैंक डिटेल्स है, आपका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, ID प्रूफ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा, क्योंकि हर कुछ जेनुइन होना ज़रूरी है। आपके बैंक डिटेल्स भी आप यहाँ पे एकदम जेनुइन डालना, क्योंकि आपको यहाँ से पेमेंट आने वाला है, तो बैंक डिटेल्स आप बाद में भी इसको फिलअप कर सकते हैं, जब तक आपका अर्निंग थोड़ा हो जाए तो उसके बाद भी अगर बैंक डिटेल्स देंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तभी तो आपका अर्निंग एकदम ज़ीरो है, तो ज़ीरो अर्निंग में अगर आप बैंक डिटेल्स डाल भी देंगे तो आपका कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि अर्निंग होगा तभी ना बैंक के थ्रू आपको विड्रॉ कर पाएंगे मनी को। जब अर्निंग फर्स्ट टाइम में ज़ीरो है तो आप बैंक डिटेल्स देके भी क्या करेंगे, तो आप मेरी मानिए तो बैंक डिटेल्स बाद में भी फिलअप कर लेना, जब आपका थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए। अभी आप इतना प्रोसेस करके अपना जो काम है उसको करना स्टार्ट कीजिए, अर्निंग होने के बाद बैंक डिटेल्स करके देखिए आप अपना जो मनी है अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास ईमेल के थ्रू एक कॉन्फर्मेशन लेटर आएगा, जहाँ पर आपको बताया जाएगा आप एलिजिबल हैं यहाँ पर काम करने के लिए, तो आप अपना जो अर्निंग का मेथड है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पूरा प्रोसीड्योर है इस वेबसाइट का, उसके बारे में मैंने आज पूरा आपको समझाया दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको पहले से जानकारी रहेगी, तो आप आसानी से ये जो टेस्ट है वो सब स्टेप्स को क्लियर कर पाएंगे और आगे की तरफ बढ़ पाएंगे अर्निंग के लिए। मुझे एक लाइक कर देना वीडियो, अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो हेल्पफुल लगा है तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिखा हुआ जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा, साथ में बेल घंटी आता है उसको भी दबाइएगा, तभी मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। मेरे चैनल पर आपको ऐप और अर्निंग रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन यूट्यूब का फ्री फीचर से सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, अगर कोई चाहता है घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी और मुझे भी काफ़ी खुशी होगी कि मेरे वीडियोस देख के अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, और कमेंट्स में जाके आप लिख सकते हैं फ्यूचर में किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोस बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, खबरी ऐप पे, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर गाइस।